नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं ईएसआईसी से संबंधित एक बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड यानी ईएसआई के पास एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की धारा 39(5)(a) के तहत इंटरेस्ट पेबल के पीरियड को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार नहीं है। मौजूदा मामले में ईएसआई कोर्ट ने 2 साल के लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की धारा 39(5)(a) के तहत लगने वाले ब्याज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ईएसआई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील दायर की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो मुख्य मुद्दा ये था कि क्या ईएसआई कोर्ट ने अधिनियम की धारा 39(5)(a) के तहत 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगाने पर रोक लगाई थी। शुरुआत में जस्टिस एमआर शाह और एमएम सुंदरेश के बेंच ने पाया था कि 2 साल की कटौती किसी भी प्रोविजन द्वारा समर्थित नहीं थी। बेंच के अनुसार इंटरेस्ट पेबल या लागू ब्याज का भुगतान करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित है और ना तो अदालत और ना ही अथॉरिटी के पास ब्याज को माफ करने का या कम करने का कोई अधिकार है। अदालत ने अधिनियम यानी एक्ट की धारा 39(5)(a) में मेंशन भी किया और कहा कि ब्याज का भुगतान करने की लायबिलिटी कंट्रीब्यूशन ड्यू होने की डेट से और अभी तक की पेमेंट की डेट तक है। आज की न्यूज में इतना ही। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।